अनुरिति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। कुंडली पार्ट 5, सूर्य से अस्त ग्रह, मतलब सूर्य कैसे ग्रहों को अस्त करता है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि सूर्य जो छाया ग्रह है राहु केतु, उन्हें अस्त नहीं कर सकता, राहु केतु ही उसे ग्रहण लगा सकते हैं। ठीक है, सूर्य से बाकी ग्रहों को, बाकी सारे ग्रहों को वो अस्त कर देता है। ग्रहों की डिग्री मैंने आपको समझाई थी, उस डिग्री के हिसाब से हम कुंडली में देखते हैं कि कहां पर वो किसको अस्त कैसे करता है। शुक्र 9 से 10 डिग्री के बीच आने पर अस्त हो जाता है, गुरु 11 डिग्री, चंद्र 12 डिग्री, बुध 13 से 14 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, शनि 15 डिग्री के आसपास आने पर अस्त हो जाता है। ये तो हुई थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकल बातों में 8 से 10 डिग्री की रेंज में जो भी ग्रह उसके पास आता है वो उसको अस्त कर देता है। अस्त का मतलब समझिए कि अस्त क्या होता है, जैसे सूर्य सूर्य के पास जो भी ग्रह जाएगा इस डिग्री के अंतर्गत, तो वो उसको क्या करेगा, अस्त करेगा। जैसे एक बहुत बड़ा बल्ब जल रहा है, उसके आगे अगर छोटा सा बल्ब है तो वो उसकी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ठीक वैसे ही कि सूर्य अगर इतनी डिग्री पर ये ग्रह उसके समीप या पास पहुंचते हैं तो वो उनको अस्त करना चालू कर देता है। इसके अलावा इस कुंडली में मैं युति और प्रतियुति भी समझाऊंगा कि कैसे देखी जाती है ग्रहों की। यहाँ पर आप देखें एक तीन एग्जाम्पल्स लिए, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 में सूर्य और गुरु दोनों एक साथ है, सूर्य 10 डिग्री का है और गुरु 13 डिग्री का। देखिए गुरु, सूर्य और गुरु का जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री का है, और गुरु कितने डिग्री तक अस्त होता है, 11 डिग्री तक। तो यहाँ पर सूर्य ने गुरु को अस्त किया, तो ये पहली कंडीशन अस्त करने की। दूसरी कंडीशन है बुध के बाद सूर्य है, बुध है यहाँ पर 10 डिग्री का, सूर्य है 6 डिग्री का। बुध को अगले अगले भाव में जाने के लिए 20 डिग्री चलना होगा, ठीक है, 20, और सूर्य यहाँ पर चल चुका है 6 डिग्री, तो 26 डिग्री। तो ये सूर्य बुध को अस्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध जो अस्त होते हैं वो कितना होते हैं, 13 से 14 डिग्री के अंतर में। तो यहाँ पर ये इसको अस्त नहीं कर पाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है सूर्य और शुक्र का। हमेशा ध्यान रखिए, सूर्य बुध और शुक्र ये सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं। सूर्य और शुक्र, सूर्य यहाँ पर 12 डिग्री का है और शुक्र यहाँ पर 13 डिग्री का है। सूर्य को अगले घर तक जाने के लिए 12 प्लस कितना, 30 के लिए 18, तो ये हो गया जाकर, तब जाकर ये 30 डिग्री पे आएगा। इसके बाद वो कितना चल चुका है, 13 डिग्री। तो यहाँ भी सूर्य ने शुक्र को अस्त नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल आप दिमाग में बिठा लें, पहले हो बाद में हो वो इस रेंज में आना चाहिए कि वो अस्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आप देखें, बुध है यहाँ पर 10 डिग्री का, बुध को अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 29 डिग्री, अब उसको अगले घर अगले स्थान में जाने के लिए सिर्फ 1 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री मतलब सूर्य 6, तो यहाँ पर सूर्य बुध को क्या कर देगा, अस्त कर देगा। ये यहाँ पर एक आपकी कंडीशन इस तरह से बनेगी। सूर्य और गुरु, सूर्य है 10 डिग्री का, गुरु को आप ले लें 29 डिग्री का, ठीक है। सूर्य और गुरु 29 डिग्री के हैं, सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री का है, गुरु 29 डिग्री का, तो 10 माइनस 29 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 19 डिग्री, ठीक है। सूर्य गुरु को कितने में अस्त करता है, ये करता है 11 डिग्री में, डिफरेंस कितना, 19 डिग्री, तो ये यहां पर भी अस्त नहीं कर पाएगा। तो ये अस्त के लिए बेसिकली रेंज में आना होगा, ठीक है। अगर पीछे तो उतना आगे जाना पड़ेगा, जैसे यहां पर पीछे था तो उतने उतने डिग्री आगे जाएगा और फिर सूर्य की रेंज में आएगा तो वो उसको अस्त कर पाएगा। तो ये आपका अस्त से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिए और बता देता हूं। मान लेते हैं कि सूर्य इस घर में है, ठीक है, यहां पर बुध है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर 17 डिग्री का है और यहाँ पर बुध अगर 3 डिग्री का है, ठीक है, तो सूर्य को अभी 17 प्लस 13 मतलब 13 आगे जाना है। सूर्य और बुध के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 13 डिग्री का, लेकिन बुध यहाँ पर 3 डिग्री आगे जा चुका है, तो डिफरेंस हो गया 16 डिग्री का। तो यहाँ पर भी सूर्य बुध को अस्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे हम अगर शुक्र को ले लें एक एग्जाम्पल, अब शुक्र यहाँ पर मान लेते हैं कि 28 डिग्री का है, ठीक है, तो शुक्र को अब यहां पर आने के लिए कितना चाहिए, 2 डिग्री प्लस 17, सूर्य चल चुके हैं, तो 2 और 17 कितना हो रहा है, ये 19 डिग्री, ठीक है। और शुक्र को 9 से 10 डिग्री का ही अंतर चाहिए, तो यहां भी सूर्य शुक्र को अस्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां पर अगर सूर्य 10 डिग्री के होते या 3 डिग्री के होते, ठीक है, और ये 28 डिग्री का, तो 28, 2 और ये 3, तो शुक्र सूर्य को क्या कर देता, अगर शुक्र 28 डिग्री के हैं और सूर्य 3 डिग्री का है, तो सूर्य शुक्र 28 कितना घर चलना है, सिर्फ 2 डिग्री चलना है, 2 और ये 3 डिग्री, 2 और 3 क्या हो गया, 5 डिग्री। तो इस कंडीशन में सूर्य
शुक्र को अस्त कर देगा। तो आगे और पीछे सूर्य अस्त कर सकता है, जहां बैठा है वहां अस्त कर सकता है, लेकिन राहु केतु को कभी अस्त नहीं कर सकता। सूर्य अगर मारक ग्रह को अस्त करे, ठीक है, सूर्य अगर मारक ग्रह को अस्त करे तो ये बहुत अच्छा होता है। सूर्य अगर कारक ग्रह को अस्त करे तो ये अच्छा नहीं होता, मतलब उसकी अच्छाई को उसने कम कर दिया। ठीक है, तो ये मारक और कारक, ये मैं अगले किसी वीडियो में और बताऊंगा कि लग्न के हिसाब से कैसे मारक और कारक वो बनता है। सूर्य अगर मारक ग्रह को अस्त करता है तो अच्छा, कारक ग्रह को अस्त करता है तो अच्छा नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली आप ये माने कि 8 से 10 डिग्री की रेंज में आने पर वो हमेशा ग्रहों को क्या कर देता है, ज्यादातर अस्त कर देता है। तो ये मारक और ये अस्त सूर्य कैसे करता है, राहु केतु को ग्रहण, वो राहु केतु उसको ग्रहण लगाते हैं, वो राहु केतु को अस्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको क्लियर हो गया, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर ये बुध यहां पर 29 डिग्री का है और सूर्य यहां पर 6 डिग्री का है, ठीक है, तो 29 डिग्री का सूर्य यहां पर है, उसको अगले घर में जाने के लिए सिर्फ 1 डिग्री चाहिए, और सूर्य यहां पर 6 डिग्री का है, तो इस कंडीशन में कितना हुआ, ये इसकी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, जब बुध इसकी रेंज में आ गया, मतलब 1 डिग्री के बाद वहां चला गया, 1 डिग्री के बाद वहां जाता है, तो ये इसकी रेंज में आ जाता है। तो इसका मतलब अब देखिए आप यहां पर बुध कितने डिग्री में, 13 से 14 डिग्री, तो मतलब यहां पर ये बुध को क्या कर देगा, अस्त कर देगा। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। अब सूर्य यहां पर 12 है और यहां पर 13 है, अब सूर्य को अगले घर में जाने के लिए कितना चाहिए, 12 प्लस 18 कितना हो गया, ये 30 हुआ, तब जाकर ये अगले घर में एंटर करेगा। शुक्र वहां पर 13 डिग्री आगे चल चुके हैं, तो 18 का ये कवर करना है प्लस 13, ये 18 प्लस 13 कितना हुआ, 31 डिग्री। किसी भी कीमत पे ये इसको अस्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्र को यहां पर 9 से 10 डिग्री तक ही वो अस्त कर सकता है। सूर्य के साथ बैठा ग्रह हो, सूर्य के आगे पीछे ग्रह हो, तो वो चीज आप यहां पर इस तरह से क्लियर होता अस्त और कैसे वो उसको अस्त करता है। ठीक, इसके अलावा सूर्य के साथ राहु केतु कोई भी आ जाए वो उसको ग्रहण लगा देंगे, मतलब सूर्य की चीजों को कमी आ जाएगी। ठीक, तो ये था आपका सूर्य से अस्त ग्रह और राहु केतु द्वारा ग्रहण। अब राहु केतु द्वारा ग्रहण कैसे, जैसे यहां पर राहु आ गया तो सूर्य को ग्रहण लगा, यहां पर केतु आ गया तो सूर्य को ग्रहण लगा, तो इस तरह से राहु केतु इसको ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण दोष से रिलेटेड वीडियो अति शीघ्र किसी वीडियो में मैं आगे डालता हूं। ठीक है, अब जब सूर्य अस्त कर देता है, अस्त का मतलब आप समझ गए कि सूर्य के आगे बहुत बड़ी रोशनी के आगे, अब अगर बुध की रोशनी आ रही है और उसकी रेंज में है तो उसकी रोशनी को वो आने ही नहीं देगा, और ये रोशनियां और ये किरणें ही हमारे शरीर को क्या करती है, चलाने का काम करती है। ठीक है, अब अगर सूर्य ने बुध की रोशनियों को दबा दिया और बुध आपके कारक था, उसमें से पॉजिटिव रेडिएशन आनी थी, तो वो सारी पॉजिटिव रेडिएशन को रोक देगा, बुद्धि में अच्छे डिसीजन लेने की कमी कर देगा। अब अगर बुध आपका मान लीजिए कि कुंडली में अच्छा नहीं था, मारक था, तो उससे नेगेटिव रेडिएशंस आती, सूर्य ने उसको अगर ग्रहण लगा, सूर्य ने अगर उसको अस्त कर दिया तो नेगेटिव किरणें हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेंगी, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन वहां पर बनेगी। तो ये अस्त इस तरह से होता है, अस्त भी कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है मारक और कारक के हिसाब से। कैसे अस्त करेगा, कैसे क्या करेगा, वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको मैंने समझाया अस्त होना और राहु केतु के द्वारा ग्रहण लगना। युति और प्रतियुति, दो ग्रह एक साथ बैठे हो कहीं भी, मान लेते हैं मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं। युति मतलब यहां पर सूर्य बुध है, सूर्य बुध की युति, कोई और ग्रह आ जाए तो इनकी तीन ग्रहों की युति, युति मतलब एक साथ बैठना। ठीक है, प्रतियुति क्या होती है, ठीक इसके सामने सातवां घर, यहां पर हम मान लें कि यहां पर आ गया चंद्र, तो ये क्या हो गई, इन दोनों ग्रहों की प्रतियुति। युति मतलब साथ में बैठना और प्रतियुति यानी सामने सातवें घर पे देखना, ये प्रतियुति कहलाती है। तो ये युति और प्रतियुति ये कब कारक होती है, जैसे सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, लेकिन सूर्य बुध को अस्त नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्र अगर आगे सामने सामने हैं तो ये विष दोष है, ठीक है, सॉरी विष दोष बोल रहा हूं। अगर जैसे आप माने कि यहां पर शनि है और चंद्र है आमने सामने, तो ये हो गया विष दोष, या साथ में है तो भी विष दोष, तो इस तरह की चीजें यहां पर लगती है। तो युति और प्रतियुति इसको भी आप बहुत ध्यान से समझते हुए चले।
कौन से ग्रह की युति अच्छी है, कौन से ग्रह की प्रतियुति अच्छी है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में और देखेंगे। ये थी युति प्रतियुति, किस ग्रह को अस्त करता है, कैसे अस्त करता है वो बताया मैंने आपको, युति और प्रतियुति बताया मैंने आपको इस वीडियो में। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आप व्हाट्सएप करें। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। अगले वीडियो तक नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।